गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट खुशबू सोनी। तो आज हम टेंस का पार्ट फोर पढ़ने वाले हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों टाइप के सेंटेंसेस के पैटर्न वगैरह सब कुछ देख लिए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। लेकिन कुछ और रूल्स हैं जो हमें जान लेना चाहिए ताकि और चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी जो हमेशा सत्य बात है, उसको कोई नहीं मान बना सकता, उस जगह पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज देते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है? आप देखिए, द सन, सन क्या है? हमारा सिंगुलर, और हमने बोला था सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है, तो यह राइज के साथ राइजेज है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हो रहा है सूरज जो है हमेशा पूर्व में उगता है, ता है, ता है आ रहा है, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पैटर्न है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सन एक ही है ना, एक वचन सिंगुलर। द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ, मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है पृथ्वी हमारे सिंगुलर है, मूव, तो मूव नहीं, मूव्स आएगा, क्या आएगा? घूमना, घूमना यहाँ पे वर्ब है। अराउंड द सन, सन पृथ्वी जो है वो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। ती है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस। कोई परमानेंट वर्ब, जैसे एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए आ गया, कोई परमानेंट वर्ब या नेचर है, किसी का नेचर है, कोई परमानेंट सॉरी परमानेंट वर्ब है, जैसे कि वी हियर विद आवर ईयर्स, हम हमारे कानों से ही सुनते हैं, परमानेंट काम है कि हम हमारे कानों से ही सुनते हैं। तो वी क्या है यहाँ पे? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये नहीं आता, और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट। द रोज स्मेल स्वीट, जो गुलाब है वो अच्छी खुशबू देते हैं, ते है, ठीक है। तो अब रोज, रोज क्या है? मेरे पास सिंगुलर है, तो इसके इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आया है, राइट। हैबिट्स, जैसे आपकी कोई आदत है, ही ऑफन कम्स लेट, वे हमेशा लेट ही आता है, ता है, ठीक है, तो वह सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्रिया वर्ब के साथ एस लगाया है। हरी नेवर गोज टू ऑफिस लेट, हरी कभी भी ऑफिस लेट नहीं जाता है, ता है, हरी सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ गो के साथ एस या फिर ईएस लगेगा। हेडलाइन, जो हमारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है ना, उसको भी हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। टू मर्डरर्स एस्केप, टू क्या है? प्लूरल हो गया, दो हो गए, तो मर्डर की जगह मर्डरर की जगह मर्डरर्स क्या हो जाएगा? मर्डरर्स, यानी कि वर्ब में जो है एस जुड़ जाएगा। आपको देखा हाल का वर्णन, जैसे मैंने कोई चीज अपने आंखों से देखा है और अब मैं उस चीज का जो है किसी के सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो वहां पे भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करूंगी कि जैसे ही डोर ओपन हुआ, मैनी पीपल एंटर द होल, जैसे ही डोर ओपन होता है बहुत सारे लोग अंदर आते हैं, ता है और आते ते हैं, ठीक है। तो व्हेन द डोर ओपन्स, मैनी पीपल एंटर द होल, तो डोर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए ओपन के साथ एस लगा है। व्हेन द डोर ओपन्स, मैनी पीपल एंटर द होल। अब यात्रा संबंधी प्लांट फ्यूचर के साथ, जैसे आपको कोई यात्रा करना है और आपका फ्यूचर में प्लांट है, फ्यूचर की आपकी जो यात्रा है वो प्लांट है, तो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। कैसे बताएंगे? वी लीव फॉर जयपुर, वी क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लीव फॉर जयपुर एट एट, हम 8 बजे जयपुर छोड़ते हैं, एंड रीच देयर एट नाइट, और वहां पहुंचते हैं 9 बजे, ठीक है। वी स्टे देयर, वी फिर सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे स्टेज नहीं आएगा, सिर्फ स्टे आएगा। फिर हम वहां रुकते हैं फॉर 2 डे, 2 दिन के लिए वहां रुकते हैं, एंड देन लीव फॉर कोटा, और वहां से ही कोटा के लिए निकलते हैं। तो ते है, ऐसे तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट ये भी देखिए, सब्जेक्ट के साथ अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी आ रहा है और ईएस भी आ रहा है। अगर कोई हिस्टोरिक प्रेजेंट, हिस्टोरिक प्रेजेंट मतलब आपको हिस्ट्री की घटना है, जैसे अकबर बिरबल की कहानी और या मेरे सामने नाटक चल रहा है, तो वो जो उस वक्त जो बोल रहे थे वो बिल्कुल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। अकबर कॉल्स बिरबल, अकबर बिरबल को बुलाता है, ता है, अकबर सिंगुलर, तो कॉल के साथ एस आ गया, तो अकबर कॉल्स बिरबल एंड आस्क्स, और पूछता है, तो आस्क के आगे भी एस आ गया, क्योंकि अकबर सिंगुलर है तो कॉल्स है आस्क, ओके। टू रिप्रेजेंट फ्यूचर टाइम वी यूज सिंपल प्रेजेंट विद वेन, अगर मुझे कोई बताना जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वेन के साथ हमेशा मैं अगर कोई फ्यूचर की बात
rarely, never, regularly, daily, occasionally. अगर ऐसा कुछ वर्ड दिखता है तो सिंपली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लीजिए. नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पैटर्न लगाइए, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाला पैटर्न लगाइए, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव वाला पैटर्न लगा दीजिए, और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला पैटर्न लगा दीजिए, लेकिन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, राइट. और अगर ऐसा दिखे जैसे कि एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर एक्सेट्रा, एवरी के साथ कुछ भी हो, राइट, या फिर ऐसा हो ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, तो भी आप ये यूज ले सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. या फिर आता है ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऑन ऑन के साथ आए, राइट, या फिर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इस तरह से. और ऐसा आए कि वंस ट्वाइस अ डे, वंस ट्वाइस अ वीक, वंस ट्वाइस अ मंथ, वंस ट्वाइस अ ईयर, इस तरह से अगर कुछ भी आपको ऐसे एडवर्ब्स कुछ दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है. और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर नहीं है तो नेगेटिव वाला पैटर्न लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव वाला पैटर्न लगा दीजिए, अगर सिंपल डॉट या लाइन है तो आप उसके लिए फिर अफर्मेटिव वाला पैटर्न लगा दीजिए और सेंटेंसेस में आप फील कर सकते हैं. तो अब जो आपको पीडीएफ में एक्सरसाइज मिलेगी, अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ की फॉर्म में आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी, वो आप इनकी हेल्प से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको समझाया दोनों को मिक्स करके आप पूरी कोशिश कीजिएगा, उसके आंसर की भी आपको मिलेगी. होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.